आफ्टरनून दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम जिस विषय पे पीपीटी करने जा रहे हैं वो हमारा है बीएड स्पेशल ओडीएल प्रोग्राम का। इसके अंतर्गत हम लोग जो आज की सेमेस्टर फर्स्ट में बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का पेपर कोड है 03 और हमारा पेपर टाइटल है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज। इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज, इसका मीन्स ये पेपर जो है हमारे सेंसेस यानी हमारे संवेदी अंगों से रिलेटेड है और इसके अंतर्गत अगर कोई समस्या होती है तो दिव्यांगता किस प्रकार से होती है, इस सब का हम लोग इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस पेपर के अंतर्गत आप देख रहे हैं इसमें 5 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक हमारा जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता, नेचर यानी उसकी प्रकृति और क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। ब्लॉक 2 जो है आपका वो है इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस, श्रवण बाधिता अगर हो गई है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो इस ब्लॉक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ब्लॉक 3 हमारा है विजुअल इम्पेयरमेंट, नेचर्स एंड असेसमेंट, मीन्स दृष्टि बाधिता क्या है, उसकी क्या प्रकृति है और उसका हम कैसे आकलन करेंगे वो इस ब्लॉक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर हमारा दृष्टि बाधिता हो गई है तो उनकी शैक्षिक प्रगति के लिए हम क्या कर सकते हैं वो इस ब्लॉक के अंतर्गत देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डेप ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये हमारा पेपर संवेदी अंगों से रिलेटेड है तो हमारे 5 संवेदी अंग हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा। तो अगर इन 5 संवेदी अंगों में से किसी भी अंग में अगर डिसेबिलिटी कॉजिंग कर रही है तो वो हमारा सेंसरी डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे कान में कोई इफेक्ट हुआ तो हम उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा अगर हमारे आंखों में किसी प्रकार का इफेक्ट हो रहा है तो वो हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन अब अगर हमारे कान और आंखों दोनों संवेदी अंगों में एक साथ डिसेबिलिटी काजिंग हो जाए तो उसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी भी कहते हैं या डेप ब्लाइंडनेस यानी श्रवण बाधिता और दृष्टि बाधिता यानी डुअल सेंसरी डिसेबिलिटीज। इस पेपर के जो स्ट्रक्चर्स है वो आप देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट है, पेपर्स का हमारा कोड है BEDSC03, पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी और इस पेपर्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे और आपका जो असाइनमेंट होगा वो 30 मार्क्स के होंगे। असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वेबसाइट पे अपलोड होंगे, वेबसाइट से लेके आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस लिखकर आपको जो सेंटर अलॉट है उस सेंटर में आपको सबमिट करना है। जो आपके थियरी के एग्जाम होंगे वो 70 नंबर में होंगे जो कि 3 घंटे का होगा और जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो 30 नंबर जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स होंगे और प्लस आपके जो ये क्वेश्चन के मार्क, ये दोनों मार्क्स मिलके 100 मार्क्स के आपके पेपर्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्कशीट बनाए जाएंगे। ये तो हमने बताया कि पेपर्स के एग्जामिनेशन शेड्यूल कैसे होंगे। अब इस पेपर को पढ़ने का हमारा गोल क्या है, हमें क्या इस पेपर को पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टू प्रोवाइड ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट टीचर्स अबाउट द नेचर एंड नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। जो हमारा टीचर ट्रेनर है, जो हमारा लर्नर है, उसे इस पेपर को पढ़ने के बाद सेंसरी डिसेबिलिटी यानी हमारे संवेदी अंगों में जो हमारी इफेक्ट हो जाती है, जो डिसेबिलिटीज आ जाती है, वो किस प्रकार आती है उसके बारे में वो जान पाएगा। नेक्स्ट, इट विल आल्सो इक्विप देम टू अंडरटेकिंग स्क्रीनिंग, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट विद सेंसरी डिसेबिलिटी। और जब वो सेंसेस डिसेबिलिटी क्या होती है अगर उसे वो जान जाएगा तो उसका वो आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, उसका स्क्रीनिंग कर सकता है, उसके लिए प्लान बना सकता है और उसका एजुकेशन कैसे डेवलपमेंट हो इस पर वो कार्य कर सकता है। इस जब ये पेपर आप टोटल कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो जो आपके आउटकम आएंगे
वो होंगे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी, विभिन्न प्रकार की जो संवेदी अंगों से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में आप जान जाएंगे, एंड इट प्रीवेलेंस एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, और वो श्रवण बाधिता से कैसे अपने को बचाया जा सकता है इसको भी जान सकते हैं, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के हियरिंग लॉसेस जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, प्रोफाउंड, किस लेवल की हियरिंग लॉसेस हुई है, सुनने की क्षमता कितनी इफेक्टेड हुई है, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्लेन द इश्यूज एंड वेज टू एड्रेस चैलेंजेस इन एजुकेटिंग स्टूडेंट विथ हियरिंग लॉसेस, और वो ये भी जान पाएगा कि एक श्रवण बाधित बच्चे के शिक्षा प्राप्त करने में कौन कौन से समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी चैलेंजिंग है, और उसका हम किस प्रकार से निराकरण कर पाएंगे। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विथ लो विजन एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। लो विजन मीन्स अल्प दृष्टि और पूर्ण दृष्टि बाधिता। तो वो लो दृष्टि बाधिता क्या होती है और पूर्ण दृष्टि बाधिता क्या होती है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या कैरेक्टर्स है, और उसका हम कैसे आकलन कर सकते हैं, इस पेपर को पढ़ने के बाद वो जान पाएगा। टू सजेस्ट एजुकेशनल प्लेसमेंट एंड कैरिकुलम स्ट्रेटजी फॉर द स्टूडेंट विथ लो विजन एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। साथ ही साथ जो अल्प दृष्टि बाधित बच्चे हैं या जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से हम उनका शैक्षिक प्लेसमेंट कर सकते हैं, उनके कैरिकुलम की संरचना किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में भी अवगत हो पाएंगे। टू एक्सप्लिकेट द इम्पैक्ट ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस एंड प्रैक्टिसेस फॉर फंक्शंस डेवलपमेंट। साथ ही साथ डेफ अगर ब्लाइंडनेस है, यानी कि श्रवण और दृष्टिबाधिता दोनों एक साथ है जो कि मल्टीपल सेंसरी डिसेबिलिटीज है, तो उसके लिए हम किस प्रकार के फंक्शंस कर सकते हैं, इससे भी हम अवगत होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो हमारा पहला ब्लॉक है, ब्लॉक हमारा है हियरिंग इम्पेयरमेंट नेचर एंड क्लासिफिकेशन, मीन्स श्रवण बाधिता उसकी क्या प्रकृति है और उसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा, वो हम ब्लॉक फर्स्ट में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ब्लॉक फर्स्ट में जो हमारे यूनिट्स हैं वो तीन यूनिट्स में डिवाइड है। पहला यूनिट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग एंड टाइप्स ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। हियरिंग्स के क्या इम्पोर्टेंस है, सुनने की क्या महत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे, और सेंसरी अगर डिसेबिलिटीज है तो वो किस प्रकार की है, मीन्स सिंगल यानी कि केवल हियरिंग इम्पेयरमेंट है या विजुअल है। सिंगल और सेंसरी डिसेबिलिटी मीन्स चाहे कान में कोई खराबी हो, चाहे आँख में खराबी हो, तो उस प्रकार की डिसेबिलिटीज को हम सिंगल डिसेबिलिटीज के रूप में शो करेंगे। और दूसरा हमारा है ड्यूअल सेंसरी इम्पेयरमेंट, यानी अगर हमारा एक से ज़्यादा संवेदी अंग अफेक्टेड हो तो वो हमारा ड्यूअल सेंसरी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। जैसे डेफ ब्लाइंडनेस मीन्स कान और आँख दोनों इफेक्टेड हो तो वो हमारा ड्यूअल सेंसरी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड इट्स इम्पीडिमेंट लीडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। कान में सुनने के क्या प्रोसेस है, किस तरह से हमारा कान आवाज़ को ग्रहण करता है, उसे ब्रेन में भेजता है, और किस प्रकार से ब्रेन उस आवाज़ को सुन के उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई जो है वो देने के लिए तैयार होता है। तो हियर के क्या स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसका जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस, विभिन्न प्रकार के जो श्रवण क्षमता हुई है वो किस कैटेगरी में, किस डेसिबल में लॉसेस है, उससे भी हम इस सेकेंड यूनिट में अवगत होंगे। जो थर्ड यूनिट हमारा है वो है हियरिंग लॉसेस, श्रवण क्षति क्या है, उसका क्या डिफिनीसन है,
एंड चैलेंजेस अराइजिंग ड्यू टू कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड हियरिंग लॉस, और क्या क्या समस्या आती है जब हमारी हियरिंग लॉसेस हो जाती है हमारे संज्ञात्मक लेवल पे, और साथ ही साथ जो बची हुई हमारी श्रवण क्षमता है उससे हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम ये तीसरे यूनिट में पढ़ेंगे। मीन्स आपने देखा कि ब्लॉक वन जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के नेचर्स और उसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ब्लॉक वन आपके तीन यूनिट में डिवाइड है, पहला हियरिंग के टाइप्स के बारे में, उस कौन सी सेंसरी डिसेबिलिटी है, सिंगल है या डुअल, और दूसरा किस प्रकार से हियर हमारा प्रोसेसिंग करता है, उसके क्या स्ट्रक्चर्स है, और वो किस प्रकार से हमारे कान के हियरिंग लॉस के बारे में डिस्क्राइब किया जा सकता है, और तीसरे हम अगर हियरिंग लॉस होता है तो उसका हम कैसा डेफिनेशन कर सकते हैं, किस प्रकार की हियरिंग लॉस है और उससे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। सेकेंड जो हमारा ब्लॉक होगा वो होगा इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस। श्रवण लॉस होने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमारा सेकेंड ब्लॉक में पढ़ा जाएगा। सेकेंड ब्लॉक भी हमारे तीन यूनिट में डिवाइडेड है। इसका जो यूनिट है उसमें पहले यूनिट में है कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑन कम्युनिकेशन एंड इश्यूज ऑफ हियरिंग लॉसेस। जो इम्पैक्ट होता है हियरिंग लॉस का वो संप्रेषण में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, मतलब अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रेजेंट करने में समस्या उत्पन्न होती है। तो इस पेपर के अंतर्गत हम देखेंगे कि अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया है तो किस प्रकार से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है और उससे हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड के कौन कौन से इशूज एंड चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑप्शन, प्रेफरेंस एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ इंडिविजुअल विथ हियरिंग लॉसेस। मीन्स कम्युनिकेशंस के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, अगर हियरिंग लॉसेस हो गए हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए हम क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ वो कौन सी फैसिलिटीज है जो इंडिविजुअली मीन्स व्यक्तिगत रूप से किसी हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि उनकी हियरिंग लॉस या उनकी जो बची हुई श्रवण क्षमता है उसके अकॉर्डिंग एड्स प्रोवाइड कर पाए। ये हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट है लिटरेसी डेवलपमेंट एंड स्कॉलरशिप अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट विथ हियरिंग लॉस एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। अगर हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा हियरिंग लॉसेस हो गया है तो उसके लिए हम उनकी लिटरेसी लेवल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ वो कौन से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासरूम में या पर्सनल उनकी जो हियरिंग लॉस वाली प्रॉब्लम है इसको रिमूव करके उनके एजुकेशनल एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, तो वो हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। आ जाइए हम लोग ब्लॉक तीन में आ जाते हैं। ब्लॉक तीन हमारा के अंतर्गत विजुअल इम्पेयरमेंट नेचर्स एंड असेसमेंट। मीन्स दृष्टि अक्षमता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है तथा हम उसका आकलन कैसे करेंगे। ये जो हमारा ब्लॉक है ये ब्लॉक भी तीसरा ब्लॉक तीन यूनिट में ये भी डिवाइड है। या इस यूनिट में जो हमारा पहला यूनिट है वो है प्रोसेस ऑफ सीइंग ब्लाइंडनेस एंड लो विजन डिफिनेशंस क्लासिफिकेशन। हम किसे अल्प दृष्टि अक्षमता कहेंगे, किसे पूर्ण दृष्टि अक्षमता कहेंगे, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किस प्रकार से हम उसे लीगली रूप से अडॉप्ट करेंगे कि इस प्रकार के लो विजन जो है वो दृष्टि अक्षमता के अंतर्गत आए हैं, इसे हम इस ब्लॉक यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड NSO एंड सी इंजीनियर्स 2011 के क्या इंफॉर्मेशन है, किसको हम डेफ ब्लाइंडनेस में रखे हैं उसे इस हम यूनिट के डेमोग्राफिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन एंड फंक्शनल असेसमेंट प्रोसीडर। अर्ली आइडेंटिफिकेशन शीघ्र हस्तक्षेपण
के लिए क्या नेचर्स हो, क्या प्रकृति हो, उसका हम कैसे इंटरवेंशन करें, कौन कौन से फंक्शनल असेसमेंट है जिससे हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर पाए कि बच्चा डिसेबिलिटी से ग्रसित है, और फिर उनके हम एजुकेशनल, सोशल, इमोशनल लेवल को बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्निक यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ब्लॉक चार जो है वो हमारा है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक इम्प्लीकेशंस में हम क्या यूटिलाइज कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो ब्लॉक चार में हम पढ़ेंगे। ब्लॉक चार भी हमारा तीन यूनिट में डिवाइड है। पहला हमारा है इफेक्ट्स ऑफ ब्लाइंडनेस एंड सेलेक्टिव एजुकेशनल प्लेसमेंट। ब्लाइंडनेस का यानी कि दृष्टिबाधिता का क्या प्रभाव है तथा उसके लिए शैक्षिक प्लेसमेंट के लिए हम कैसे सिलेक्शन करेंगे वो इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा है टीचिंग प्रिंसिपल। कौन से शैक्षिक सिद्धांत हैं जो कि श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में यूटिलाइज होंगे, उपयोग होंगे, उसका हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा है एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम एंड असिस्टिव डिवाइस कॉन्सेप्ट एंड एरियाज। कौन से हमारे को कैरिकुलम्स हैं, कौन कौन से असिस्टिव डिवाइस है, सपोर्टिव इक्विपमेंट है जो कि हम विजुअल इम्पेयर बच्चे के शिक्षण प्रशिक्षण में यूटिलाइज किया जाएगा वो इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। लास्ट हमारा ब्लॉक है पांच, डेफ ब्लाइंडनेस यानी श्रवण बाधिता और दृष्टि बाधिता। इसके अंतर्गत जो आपका ये भी तीन यूनिट में डिवाइड है, इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है डिफिनीशंस, काजेस, क्लासिफिकेशन, प्रीवेलेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, इफेक्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस ऑन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड एजुकेशन। तो ब्लॉक पाँच के डेफ ब्लाइंडनेस के पहला जो यूनिट है उसमें हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, काजेस क्या क्या है, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, कौन से प्रीवेलेंस है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक है कि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए कि जो इफेक्टेड पर्सन है वो डेफ ब्लाइंडनेस है, और उसका इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस ऑन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उनके दैनिक जीवन में कैसे हम उसका इम्प्लीकेशंस कर सकते हैं और उनके एजुकेशनल लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है वो इस पेपर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है स्क्रीनिंग, असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। जो डेफ ब्लाइंडनेस पर्सन है उसके स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे, कैसे हम पहचान पाएंगे कि वो डेफ ब्लाइंडनेस है, उसका आकलन कैसे किया जाएगा और उसका अर्ली इंटरवेंशन कैसे किया जाएगा, शीघ्र हस्तक्षेपण कैसे किया जाएगा जिससे उनके हम एजुकेशनल स्ट्रेटजी, उनके कैरिकुलम के स्ट्रेटजीज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट विथ डेफ ब्लाइंडनेस। जो श्रवण और दृष्टिबाधित दोनों प्रकार के सेंसेस से इफेक्टेड बच्चे हैं उनका कैसे शैक्षिक एजुकेशन डेवलप किया जा सकता है उसका हम इस यूनिट के अंतर्गत एजुकेशन के बारे में, उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि जो BEd SC के 03 पेपर है उसके पांच ब्लॉक है, पांच ब्लॉक, हर ब्लॉक के तीन यूनिट है और तीन यूनिट्स के अंतर्गत हम तीन प्रकार की सेंसेस, डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, डेफ ब्लाइंडनेस, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं थियरी पेपर। आपके जो थियरी के पेपर्स होंगे 3 घंटे के 70 मार्क्स के अंतर्गत, वो पेपर्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे वो 45 मार्क्स के होंगे, वो लॉन्ग टाइप होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, और पार्ट बी के अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट टाइप, वो 25 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 15 मार्क्स का होगा,
जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे और आपको उस 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। साथ ही साथ जो आपका पार्ट बी होगा उसमें शॉर्ट टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आपका जो है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे और इसके अंतर्गत आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 9 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो असाइनमेंट के पेपर्स हैं वो 30 मार्क्स के हैं जो कि आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और 70 मार्क्स के जो पेपर्स हैं वो आपके थियरी पेपर्स हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में लॉन्ग टाइप होगा और पार्ट बी में शॉर्ट टाइप। तो इस प्रकार से आपके एजुकेशनल जो BEd SC पेपर्स हैं सेमेस्टर 1 के जो 100 मार्क्स के हैं यानी जिसके 4 क्रेडिट्स हैं उनके आपको 30 नंबर के असाइनमेंट और 70 नंबर्स के पेपर्स देने हैं। अब जो हमारी अगली कक्षा होगी उसके अंतर्गत हम लोगों ने जैसे ब्लॉक वाइज पढ़ा हुआ है हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट है और उसका हम एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।